हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो आज हम दो न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं जो कि बेस्ट है हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप याद कीजिए, जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर हमारा था वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, जिसमें हमने देखा था अगर फाई हमारा कोई फंक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं बताता हूँ, फाई अगर हमारा कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस फंक्शन का जब आप किसी डायरेक्शन में एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में या जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, पार्शियली पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो एक्स वाई इधर जेड, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो किसी भी डायरेक्शन में और उसको निगेटिव साइन के साथ रखते हो, तो जो जिस डायरेक्शन में आप उसको दिखाए हो वो उसका वेलोसिटी बताता है, यू वी डब्ल्यू। ठीक है, याद आया? तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल लगाना, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका न्यूमेरिकल में ही क्लियर होगा। ठीक है, तो सिंपली दो बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल हैं। अगर आपको ये सिंपल बन गया तो आगे जब हम स्ट्रीम फंक्शन में देखेंगे तो उसमें भी हमारा ये आएगा, तो वहाँ टफ थोड़ा मिलेगा बट ये बहुत ईजी है। तो देखो, इफ फाई इज इक्वल टू, ये देखो फाई हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम क्या बोलते हैं, फाई एक फंक्शन जैसे दिएगा, तो फाई हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस एक्स वाई क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई अपॉन थ्री प्लस वाई स्क्वायर, देन फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स वाई डायरेक्शन। एक्स और वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट फाइंड करना है, मीन्स हमें यू और वी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले u और v के लिए हम याद करें कि डेल्फाई को अगर x पार्शियली डिफरेंशिएट करें और माइनस का साइन लगा दें तो हमें u मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, डेल्फाई को सॉल्यूशन वन, डेल्फाई को x के रिप्रेजेंट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो x के रिप्रेजेंट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब अपॉन थ्री, ये y का इसमें कोई टर्म नहीं है, वन से ये जीरो हो जाएगा, इसको लिखते ही नहीं है हम, यहाँ y का टर्म है तो प्लस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी x के रिप्रेजेंट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा 2x, हियर माइनस का साइन, प्लस 3x स्क्वायर y अपॉन 3, और y के साथ कोई x का टर्म नहीं है और x के टर्म में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दिस मीन्स इधर का जीरो, तो हमारे पास सिर्फ इतना बचा। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, थ्री थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब अपॉन थ्री माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, डेल्फाई को एक बार वाई के रिप्रेजेंट में हम वाई के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वाई के टर्म में जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा इसका माइनस एक्स क्यूब y के रिप्रेजेंट में कर दिए जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस टू वाई। ठीक है, अब देखो द वेलोसिटी कंपोनेंट u एंड v आर, u क्या होता है हम जानते हैं, जो वेलोसिटी कंपोनेंट, अगर हम वेलोसिटी u निकालना हो तो उसका होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स होता है। अब जहां जहां हमारा, अब डेल फाई की जगह पे इसको रखें, डेल फाई अपॉन डेल एक्स का ये आया है, इसका माइनस साइन लगा दें तो ये हो जाएगा वाई थ्री अपॉन थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये हमारा यू निकल गया, वी निकाल लें, वी हमारा ऑलरेडी वी क्या होता है हमारा, माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई क्यू माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस टू वाई। ठीक है, ये हमारा यू निकल गया, ये हमारा वी निकल गया, दो काम तो हो गया। आगे बोला है कैन फाई रिप्रेजेंट द पॉसिबल केस ऑफ फ्लो। अब जो फाई का हमारा आया हो, जैसे कि हम लोग वहाँ देखते थे एक चीज, कि एक लैप्लास इक्वेशन बनता था हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में, अगर फाई की वैल्यू उसमें सेटिस्फाई हो जा रही है और इक्वल टू जीरो आ जा रही है, दिस मीन्स हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो कंडीशन में। तो पूछ रहा है जो फाई हमें दिया हुआ है क्या ये सेटिस्फाई करेगा हमारे लैप्लास इक्वेशन में, और करेगा तो क्या उसका वैल्यू जीरो आएगा। तो आइए देखते हैं क्या आता है।
अब देखिए सेकंड केस जो हमारा है, ये था हमारा फर्स्ट केस। ये सेकंड केस में लैपलास इक्वेशन जो हमारा बना था, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ बना था। क्योंकि हमें आप गौर देखो, थ्री डायमेंशन में भी होता है, एक्स वाई जेड में हमने बनाया था। यहाँ एक्स वाई इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक्स और वाई के अलावा कोई टर्म है ही नहीं, इसलिए हम दो इक्वेशन बनाए, टू डायमेंशन का क्वेश्चन है, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब देखो हमने अभी जस्ट डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकाला, डेल फाई अपॉन डेल एक्स ये निकाला है। अब डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स मीन्स जो डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकाला उसको एक और बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दें, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा टू माइनस जीरो माइनस टू प्लस टू एक्स वाई, विच मीन्स माइनस टू प्लस टू एक्स वाई, ठीक है। और डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई ये आया था तो ये हो जाएगा हमारा, इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ थ्री कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर थ्री नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया था ना, ये हो जाएगा वाई के रिप्रेजेंट में किया था टू, ठीक है, ये मिस्टेक था, ये हो जाएगा टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस टू एक्स वाई प्लस ये जीरो प्लस टू विच इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई प्लस टू। हमारा देखो ध्यान से आप, हमारे पास ये दोनों चाहिए था, डेल डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी आ गया, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी आ गया। अब दोनों के ये वैल्यू जो हमारा आया दोनों को ऐड करें, तो माइनस टू प्लस टू एक्स वाई प्लस माइनस टू एक्स वाई प्लस टू, ये देखो इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल विच इज इक्वल टू जीरो, मीन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये कर क्या हो रहा है, फाई इज सेटिस्फाई इन लैपलास इक्वेशन सो द फ्लूइड इज इन फ्लो कंडीशन, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल इतना इजी था, ऐसे हो गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, इफ फाई इज इक्वल टू, हमें फंक्शन दिया हुआ है ये, एट पॉइंट फोर और फाइव पे कैलकुलेट वेलोसिटी यू और वाई। देखो यहाँ पे सेम टू सेम इसी तरह डेल फाई अपॉन डेल एक्स कर लो, डेल फाई अपॉन डेल वाई कर लो, एक्स वाई का टर्म जहाँ आ रहा है ना वहाँ पे ये एक्स है ये वाई है, एट पॉइंट फोर और फाइव में निकालना है, तो एक्स की जगह पे फोर फाइव, वाई की जगह पे फाइव रख दो, आपका डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकल जाएगा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, और यू माइनस का साइन उसमें लगा दो आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं आपको कर देता हूँ ये। तो क्वेश्चन ये था हमारा, फाइव इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एट पॉइंट फोर और फाइव पे हमें फाइंड करना था वेलोसिटी यू एंड वी, डेल फाई अपॉन डेल एक्स। क्या कभी कभी क्या होता है ना, कोई समझाए इससे अच्छा बस वो स्टेप वाइज लिख देना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो मैं बस यहाँ पे वही करने वाला हूँ, ठीक है। डेल फाई अपॉन डेल एक्स क्योंकि ये तो पता ही है, ये हो जाएगा टेन फाइव टू टेन एक्स, ठीक है। डेल फाई अपॉन डेल वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टेन वाई, ठीक है। पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, बट वेलोसिटी यू एंड वी आर, यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स और v is equal to minus del phi upon del y, which means minus 10x, which means 10y. Now, at point 4 and 5 पे u is equal to minus 10 into 4, which is equal to minus 14, और v is equal to 10 y है तो मीन्स 10 इंटू वाई कितना हमारा 5 दिस मीन्स 50 यूनिट। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2B इतना इजी तरीके से।
ठीक है, आई थिंक आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रीम फंक्शन का कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे एंड देन हमारा वीडियो एंड होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।